आज मैं अपने राइडर ब्रदर्स के लिए कुछ स्पेशल लेके आया हूँ। सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में कुछ गरम मसाले वाला तड़कता भड़कता सामान है, LED लाइट्स हैं और बहुत सारा सामान है आपकी बाइक्स के लिए, आपकी बाइक की एक्सेसरीज के काफ़ी सही एक्सेसरीज हैं जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। और यहाँ हमारे साथ हैं मयंक भैया। मयंक भैया अभी सामान निकाल रहे हैं स्टोर रूम से, उनके पास बहुत सारा वैरायटी का सामान है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बाइक्स। तो अभी हम उन सारे सामान को देखेंगे और एक एक करके मैं आप सब आपको उसका प्राइस बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि कौन सी आइटम कितने चीज़ की, और सारा को सारा सामान जो है वो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी बस चलते हैं मयंक भैया के पास और सारा सामान मैं आपको दिखाता हूँ। मयंक भैया आ चुके हैं अपने साथ और अभी सामान थोड़ा बहुत लेके आए हैं, एक एक करके आपको सारा सामान दिखाना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो है हमारे पास ये मोटरसाइकिल के हेडलाइट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ये LED हेडलैम्प्स हैं और विद फिन्स हैं जो इसको कूल करते हैं। तो ये जो हेडलैम्प्स हैं, प्राइसेस का जो है लिस्ट मैं आपको इकट्ठा दिखा दूंगा, मतलब PDF बना के या फिर कुछ एक लिंक डाल दूंगा मैं जिस पे आप सारे प्राइसेस देख सकते हैं। ये जो है ये RTD का है, RTD के हेडलैम्प्स हैं। सिमिलरली हमारे पास और भी हेडलैम्प्स हैं, जैसे कि ये है, ये थोड़ा डिफरेंट क्वालिटी में आता है। तो ये जो हेडलैम्प्स हैं ये भी थोड़े अलग क्वालिटी में हैं, ये LED हेडलैम्प्स हैं, आपकी बुलेट में लग जाएंगे, हिमालयन में लग जाएंगे, जो भी स्टैंडर्ड बाइक्स हैं जितनी भी हैं रॉयल एनफील्ड की, सब में आप इनको यूज़ कर सकते हैं, थंडरबर्ड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये मोटरसाइकिल हेडलाइट कार हेडलाइट है, बेसिकली ये फॉग लैम्प की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और आपका एक तो ये कुछ ऐसा है, तो इसमें मल्टीपल LEDs हैं, तो LEDs को आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। 30 वॉट का ये एक पीस है। तो ये सारे जो आइटम्स हैं इन सब का डिस्क्रिप्शन में आपको प्राइसेस पता चल जाएंगे, और थोड़ा बहुत मैं बीच बीच में जो आइटम्स का पता है वो डायरेक्टली बताते रहेंगे आपको। सिमिलरली एक ये छोटा फॉग लैम्प है, ये तो बेसिकली जैसे नॉर्मल लोकल्स जैसे कोई राइड करता है तो उसके लिए एक बेसिक लाइट जिसे बोल सकते हैं कि अगर एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो तो वो आपका फुलफिल करता है। एक अगर आपको आउटस्टेशन जाना है तो मैं प्रेफर करूंगा कि थोड़ा बेटर में जाए जो हाई पावर में हो। यस, क्योंकि ये तो क्या है, ये छोटा लाइट है, सिटी के हिसाब से है। हाँ, मतलब इससे आपको कोई वो नहीं कर सकता, ना पुलिस वाला आपको कोई तंग कर सकता है, आप राइड करिए कुछ करिए, कोई कुछ कहेगा नहीं। हाँ जी, हाँ जी। सिमिलरली यार ये हमारे पास एक और बड़ी लाइट है, तो ये जो लाइट है ये HJG की है, क्री जो आता है उसकी है, और ये कुछ ऐसे लाइट है, डबल LEDs है और आगे प्रोजेक्टर टाइप का स्टाइल में ग्लास है। तो ये LED जो है ये आपके फॉग लैम्प्स हैं, ये हाईवे पे आपको बहुत मदद करने वाले हैं सर्दियों में स्पेशली, ताकि आपकी विजिबिलिटी बनी रहे। और सिमिलरली HJG के अंदर एक और वैरायटी है, ये बहुत ही मतलब ज़्यादा सेलिंग कह सकते हो आइटम है, ये आपको नॉर्मली दिखेगा, जो राइडर्स हैं वो बेसिकली जो राइडर्स हैं वो मोस्टली प्रेफर करते हैं इस चीज़ को। ये HJG की लाइट है, ये हमारे राइडिंग ग्रुप में भी काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं सिमिलर लाइट। ये क्लैंप समेत आती है और क्लैंप लग के ये ऐसे लग जाती है, इसमें 6 LEDs हैं और ये 20 वॉट का सिंगल सेट होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है हाईवे के हिसाब से। 20 वॉट या 30 वॉट वाले जो पीसेज हैं उनका जो पेयर होता है वो बहुत सफिशिएंट होता है, कि 20+20 आप लगाओ तो 40 वॉट जो लाइट होती है वो बहुत अच्छा स्प्रेड करती है और आपका बहुत अच्छा काम चल सकता है। बेसिकली इसमें ज़्यादा LED का भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, और अगर कम LED में जैसे ये है 6 वॉट में है तो ये भी मिल जाएगा आपको, इसमें मल्टीपर्सन मतलब रहता है, अगर आप चाहें कि छोटी अगर आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। सिमिलरली गाइज ये एक और हमारे पास LED है, इसके अंदर ये 2 लाइट्स हैं, पेयर है ये, और मिनी LEDs के साथ ये 6 LED का पेयर है, ये भी आपके फॉग लैम्प्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये 10 वॉट का एक है, ये दोनों जोड़ के 20 वॉट हो जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेटिंग इसमें पीछे लिखी होती है, तो यहाँ जैसे 10 वॉट स्पेसिफाई किया हुआ है। सिमिलरली अब मैं आपको और लाइट्स दिखाता हूँ, जैसे कि ये एक और है, ये जो लाइट है ये भी वैसी ही है जैसी हमने थोड़ी देर पहले क्री के स्टाइल में देखी थी। तो ये 9 LED है, ये छोटे LED है, 9 LEDs हैं, और पीछे ये हीट फिन डिज़ाइन दे रखा है ताकि LEDs गर्म ना हो और लॉन्ग लास्ट करे। और इस पे पावर
पावर इस पर मेंशन नहीं है। ये अराउंड जो है ये क्री लाइट है, क्री लाइट जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 20 या 30 वॉट्स की ही होनी चाहिए सिंगल पीस। 9 LEDs हैं इसमें छोटे छोटे, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं दिखाता हूँ, इसके अलावा कुछ हमारे पास और सामान है, तो मैं आपका कैमरा जो है वो थोड़ा टिल्ट करता हूँ और मैं दिखाता हूँ। तो ये सारा सामान हम लेके आए थे स्टोर रूम से और हमने यहाँ पे लाके रखा है। और पीछे जो खड़ी है वो मैंने भैया की G310 खड़ी है। और ये है फ़ोन माउंट, आप फ़ोन माउंट भी परचेज कर सकते हैं लिंक से, और आपको सारी डिस्क्रिप्शन हम देते रहेंगे। और सामान भैया अभी लेके आ गए हैं तो मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। तो अभी हम ऐसे ऐसे आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो है वेट लाइट्स है। ओके, तो पहले वेट लाइट्स देखते हैं। ये रॉयल एनफील्ड की हैं, अगर आप देख पाएंगे तो ये 12 इंच जो वेट्स होता है, तो वेट और लाइट मिक्स है और इसके अंदर रॉयल एनफील्ड का लोगो बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें रॉयल एनफील्ड का लोगो है। ये रॉयल एनफील्ड की वेटेड लाइट्स हैं, 12 इंच पे जो वेट होता है वो वाली लाइट्स है ये। और काफ़ी हैवी उसमें है, और मतलब अच्छा खासा वेट है। मैंने एक पीस अभी जो उठा के देखा, ये अराउंड 200 ग्राम की एक लाइट है, ऐसा मान के चलो अच्छा खासा वेट है। और आपको जो मिलेगा, आपको ये भी मिल जाएगा, ये है आपकी हैंडल पे लगने वाली रॉड, ये वाइब्रेशन ख़त्म कर देती है हैंडल पे से या रिड्यूस कर देती है काफ़ी हद तक। तो ऐसे रॉड के मल्टीपल पीसेज अवेलेबल हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भैया का नंबर दे दिया जाएगा, आप कॉन्टैक्ट करिए और अपना पीस आप ऑर्डर कर सकते हैं। इंडिया में कहीं भी शिपिंग मिलेगी आपको, शिपिंग दिल्ली से क्योंकि शिप होगा तो ऑल इंडिया शिपिंग होने वाली है इसकी। और हमारे पास एक ये और है आइटम, ये जो है ये LED मिरर्स है। ये स्लीक में जो लाइट्स आती हैं, ये स्लीक लाइट्स हैं, जैसे KTM में लगती है, बाकी बाइक्स में लगती है, तो आप ये LED लैम्प्स को यूज़ कर सकते हैं। ये इंडिकेटर लाइट्स हैं, टर्न सिग्नल्स, और ये है प्रोजेक्टर, ये है 20 वॉट का प्रोजेक्टर, आप इसमें देख सकते हैं। ये चारों तरफ जो ये वाइट वाली रिंग है, ये ब्लू रिंग है और इसके बीच में प्रोजेक्टर लाइट है। तो ब्लू रिंग और वाइट लाइट जो है ये आपको मिलेगी, वाइट प्रोजेक्टर लाइट है, 20 वॉट का एक ये पीस है। ये आप पेयर में भी खरीद सकते हैं और ये आप सिंगल पीस भी खरीद सकते हैं। प्लस इसमें एक और ऑप्शन है कि इसमें आप ब्लिंकर फ्लैशर भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जैसे आपकी ये रिंग लाइट है ये फ्लैशिंग का भी काम करती है। मतलब इसमें 3 मोड हैं, आप जब भी चाहें इसको रिंग लाइट की तरह रिंग जलाना चाहते हैं रिंग जलाइए, नहीं तो ये मल्टी कलर रेड ब्लू फ्लैश करती है। अच्छा, मल्टी कलर फ्लैश है, तो ये मल्टी कलर लाइट है यार जो रिंग पे है। तो ये बहुत अच्छा पीस है, ये ज़रूर टेस्ट किया जाएगा। और सिमिलरली मैं आगे आपको और आइटम्स दिखाता हूँ। तो आइटम नंबर ये हमारे पास और आया है, ये है हमारे बार एंड मिरर्स। आप जैसे देखते होंगे मूवीज़ वगैरह में और टीवी शोज वगैरह में, तो बार एंड मिरर्स जो होते हैं ये बार एंड्स पे ऐसे लग जाते हैं, और ये मतलब उस पर लगने के बाद अलग ही शो देते हैं। जैसे कि ये घूम जाएगा, ये कुछ ऐसे लगेगा आपके बार एंड पे, और आप पीछे देख सकते हैं, तो इससे ना अलग ही लुक आ जाता है। आप हैंडल पे मिरर देखेंगे, आप बार एंड वाले मिरर देखेंगे, तो बहुत डिफरेंस होता है। हैंडल वाले मिरर जो है वो तो सब पे होते हैं, बार एंड वाला का जो डिज़ाइन है ये डिज़ाइन जो अलग आएगा, ये आपको ऐसे लगे मिलेंगे, तो ये बार पे बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। तो अगर आप बाइक को आप क्रूज़र बनाना चाहते हैं या क्रूज़र बाइक के स्टाइल में कुछ करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। स्क्रैम्बलर या क्रूज़र बाइक्स के अंदर ये यूजुअली लगाते हैं लोग, बुलेट में भी लगाते हैं, मिटियोर में भी लगाते हैं। देखिए वेट लाइट के अंदर एक और पीस मेरे को दिखा है, ब्लैक में है ये, मैट ब्लैक। तो ये रहा रॉयल एनफील्ड का लोगो, मैट ब्लैक के अंदर है ये। अगर आपकी हैंडल बार मैट ब्लैक है तो आप मैट ब्लैक ये वाला लगा सकते हैं, मैट ब्लैक वाली आपको वेटेड लाइट मिलेगी। ये पूरा फुल मेटल है और अच्छा खासा वेट है इसके अंदर, और अंदर की तरफ LED लाइट है। तो इंडिकेटर प्लस एक तरीके से आपका जैसे होता है पार्किंग लाइट। हाँ, तो इंडिकेटर के साथ भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जो ऐसे इंडिकेटर देंगे तो ये ब्लिंक करने लग जाती है। नॉर्मली पार्किंग में जैसे आपकी हेडलाइट रहती है तो ये एक रिंग जलता रहेगा, सो दैट ओके वो कलर उसका नॉर्मल जैसे हमारा होता है लाइट का, जैसे रेड येलो में हो गया, उसके बाद जैसे रेड ब्लिंक करता है, ये मल्टी कलर में। अच्छा, ये भी मल्टी कलर में ब्लिंक कर सकता है। तो यार एक ये लाइट का ऑप्शन आपको दिखा दिया, इसमें 2 ऑप्शन है, मैट ब्लैक है और क्रोम में अवेलेबल है बार एंड वेटेड लाइट्स। सिमिलरली हमारे पास और भी आइटम्स हैं,
जैसे कि आपको मैं दिखाऊं तो बेलाक्लावाज हैं, बेलाक्लावाज हैं हमारे पास। बेलाक्लावाज में क्या है कि ये प्रॉपर बेलाक्लावा है, आप हेलमेट में पहन सकते हैं, फेस कवर हो जाएगा आपका, ये ऐसे करके हो जाता है, तो इसमें आप फेस कवर कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर बेलाक्लावा है, हाफ फेस बेलाक्लावा है, ये ओवरहेड नहीं जाता। सिमिलरली ओवरहेड वाला भी मिल जाएगा, ओवरहेड वाले पीसीस भी अवेलेबल हैं, तो आपको मल्टीपल बेलाक्लावास मिल जाएंगे और वो भी सबसे अच्छे रेट पे, सबसे अच्छे प्राइसेस पे, एंड क्वालिटी विल बी लाइक प्योर कॉटन में है, बहुत ही प्यारे पीस जिसे आप मतलब आपको कभी भी नॉर्मल समर हो या विंटर हो आपको पहनने दोनों में यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल। ओके, और ये भी डेकोरेटिव लाइट्स हैं, ये बाइक पे लगती हैं, ब्लिंकर हैं, ये किस साइड लगाते हैं, ये बार एंड पे लगाते हैं, ये बार एंड पे नहीं लगता, ये बेसिकली हमारा लगता है चेन के पास, जैसे आप पीछे कोई अगर आप फ्लैशर जल रहा है, पीछे से आपका ब्लिंकर जल रहे होते हैं कई गाड़ियों में आपने देखा होगा, लोग इंडिकेटर स्मॉल ब्लिंकर है, तो ये स्मॉल एलईडी ब्लिंकर है, ये अलग एलईडी आप इसमें साइड में देख सकते हैं, ये एलईडी ब्लिंकर्स हैं, और ये मतलब जैसा भैया ने बताया हम वैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में मेरे को इतना आइडिया नहीं है तो इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा। बेसिकली लोग क्या करते हैं, जैसे आप यूनिट लगवाते हैं इंडिकेटर्स के लिए, आप अपनी वायर को मतलब कटिंग करवाएंगे, उसमें आप अपना लगाते हैं कि फ्लैशिंग जले, कभी आप चाहते हैं कि वो मल्टीपर्पज जले या कुछ भी करे, मतलब उसमें क्या है वायरिंग कटिंग की प्रॉब्लम रहती है, अगर आप कोई गारंटेड पीस कंपनी का ले रहे हो तो कंपनी आपको वो गारंटी अवॉइड करने के लिए कहती है, तो ये आप अगर आप चाहो तो लगवा सकते हो, सो दैट आप इसको कहीं पे भी अपने आप मतलब आप चेन पे के पास लगवाइए, अगर आप चाहते हैं लाइट के पास लगवाना चाहते हैं वहाँ लगवा सकते हैं। बेसिकली ये एक फ्लैशर है, ये आपकी जैसे लॉन्ग राइड पे अगर आप जा रहे हैं तो एक रन पे आपको ना एक डिस्टेंस पे पता चलता है कि ये हमारे साथ की गाड़ियाँ जा रही हैं, और मतलब आप दूर से इंडिकेट कर सकते हैं कि दीज आर द फ्लैशर की वजह से आप रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं अपनी कार। सिमिलरली यार अभी आपको आगे का रेंज बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप फॉग्स फॉग्स में भी अगर आप चलते हो तो इनकी जो फ्लैशिंग होती है, अगर आप नॉर्मल लाइट्स होती हैं वो विजिबिलिटी ब्राइट लेवल पे जाके ज़्यादा होती है, तो बेसिकली क्या है कि इसमें रेड की जो है फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत दूर से आप डायग्नोज कर रहे हो कि गाड़ी जा रही है, आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, आपको पीछे से अगर आपने लगा रखी है तो एक डिस्टेंस लेके आदमी को दूर से पता चल जाता है कि आगे गाड़ी जा रही है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कई बार फॉग्स में बहुत ये इश्यूज आते हैं, आपको विजिबिलिटीज में कई बार आदमी को लाइट नहीं दिखती, बिल्कुल एंड मोमेंट पे दिखती है तब तक गाड़ी होल्ड नहीं होती, तो ये थोड़ा सा ब्लिंक करते रहते तो आदमी को एक आइडिया हो जाता है कि हाँ गाड़ी दूर से कोई जा रही है, तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, ये मतलब हाईवे पे काम आ सकती है, लॉन्ग रूट पे जो रेगुलरली जाते रहते हैं उन राइडर्स को बहुत मदद कर सकती है, इंडिपेंडेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती गाड़ी। ओके, प्लस ये देखिए आप सिमिलरली यार एक ये लाइट है जो मैं अभी बोल रहा था आपको इनिशियली स्टार्टिंग में, तो ये एक स्टिक ऑन लाइट है, ये पीछे से 3M का ये टेप लग जाता है और ये स्टिक कर सकते हो, ये नॉर्मल एलईडी है जिसमें रॉयल एनफील्ड ग्लो होता है, बहुत तो आप अपने रॉयल एनफील्ड की बाइक्स पे आप यूज कर सकते हैं, बेसिकली उनका आई कैन फील इट, ये अच्छा खासा वेट है इसमें भी, या आप इंजन के पास लगवाइए या पीछे टेल लाइट पे लगवाइए, मतलब एक आपको लुक देता है, एक ना एनहांस कर देता है गाड़ी की जो एक वैल्यू है, आप जैसे आप एक है ब्रांड आपकी गाड़ी दिखती है, बट एक क्या होता है कि अगर आप वही रात को क्या है वो आप थोड़ा सा जज करने में आपको थोड़ा दूर से पता चलता है कि हाँ भाई गाड़ी कौन सी जा रही है, पर एक रॉयल सही दिखता है कि रॉयल एनफील्ड जा रही है, तो रॉयल एनफील्ड का जो एक रॉयल लुक दे जाता है, ब्रांडिंग है, ये चमकती है, ये एलईडी है, ये आपको पेयर में मिलेगा, ये डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं, DRL जो हम बोलते हैं, तो ये DC 12 वोल्ट में लगती हैं, तो 12 वोल्ट वाली ही हैं, और ये बहुत अच्छा लुक देंगी आपकी बाइक को। सिमिलरली अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास है मिरर्स, ये थंडरबर्ड के ये कवर्ड है, इसमें अभी तो मैं इसको क्या खोल के दिखाऊंगा, ये पूरा क्रोम मटेरियल है, और ये जो है ये थंडरबर्ड के, इलेक्ट्रा के, स्टैंडर्ड के, क्लासिक के, ये आपको इन सब बाइक्स में मिल जाएंगे, आराम से आप लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और अच्छा खासा वेट है इनमें भी, और फाइन क्वालिटी का क्रोम है, क्रोम तो मैं निकालने से रहा अभी तो वही है, लेकिन मैं मतलब वेट से पता चल रहा है कि हैवी मटेरियल है, अच्छा आइटम है ये। और आगे बढ़ते हैं, अब हम आपको दो तीन चीज़ें और दिखाते हैं, जैसे कि हमारे पास और है सीट कवर्स, टैंक बैग, सीट कवर्स और बाइक के पूरे कवर्स, ये बॉडी कवर्स, ये आपको तीन टाइप के कवर्स हमारे पास अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ ये टैंक कवर, प्योर लेदर का है, ये प्योर लेदर में बहुत ही प्यारा पीस है, ये डबल पीस है, ये एक ब्लैक कलर है, एक ब्राउन कलर है, इसको आप ऐसे बांध सकते हैं अपने टैंक पे, ये फ्यूल कैप का होल दे दिया है यहाँ पे, और आप इसको इजीली यूज कर सकते हो पॉकेट वगैरह अगर आपको छोटा मोटा सामान रखने के लिए, देखो इतने अच्छी पॉकेट भी दे रखी है,
और बेल्ट वाला डिजाइन कुछ डिफरेंट सा डिजाइन है इसके ऊपर, और आप इजीली अपने टैंक को प्रोटेक्ट कर सकते हो, टैंक के ऊपर इसको रख सकते हो। अगर कोई गाड़ी जैसे आप थोड़ा सा रॉयल लुक चाहते हो, मतलब एक होता है ना डिफरेंट, कुछ डिफरेंट चाहिए, तो इट्स लाइक गाड़ी थोड़ा सा आदमी को ना एक अलग ही तो वो देता है। दो कलर है, तो आप अपने टैंक को एनहांस कर सकते हो, लुक चेंज कर सकते हो, टैंक का पेंट बचा सकते हो ऊपर से इसको लगा के। तो ये दो कलर्स में अवेलेबल है और इसके प्राइसेस भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे। आप वीडियो में से स्क्रीनशॉट लेके, और भैया का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट का मेरे को प्राइस जानना है, तो व्हाट्सएप पे आपको अवेलेबल रहेगा सब कुछ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम नेक्स्ट आइटम दिखाते हैं। तो दोस्तों वापस आ गए हम, और ये एक और फ्लैशर लाइट मिली है, वो थोड़ा अलग डिज़ाइन में थी। ये जो है सर्कुलर डिज़ाइन में हमें फ्लैशर लाइट है, थोड़ा और बड़े हैं, मतलब बेसिकली डिफरेंटली ये, हाँ मतलब बड़े साइज में लग रहे हैं और ये थोड़ा अच्छे फ्लैशर्स लग रहे हैं। तो ये वाले जो फ्लैशर्स हैं ये सिमिलर जो यूज़ केस अभी भैया ने बताया था वही है। दूर से दिखेगा, आप चल रहे हैं हाईवे पे, आप नोटिस होंगे, आपको मतलब दिखेगा सब पीछे वाली गाड़ी को, आगे वाली गाड़ी को कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, मतलब विजिबिलिटी बनी रहेगी हाईवे के ऊपर। सिमिलरली अब मैं आपको दिखाता हूँ HJE की एक और लाइट है जो अभी मिस हो गई थी हमसे, नहीं मिस नहीं हुई थी, ये तो मैं दिखा दी है, ये वही लाइट है आपको, ओपन पीस है ये उसका, जो आपको रिंग लाइट दिखाई थी मैंने। तो ये रिंग है और बीच में ये प्रोजेक्टर वाली लाइट है, वाइट लाइट है और रिंग जो है RGB है, मल्टीपल कलर्स में आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और सिमिलरली इसमें सिंगल कलर्स वाली भी रिंग आती है। इसके अलावा आपको मिल सकती हैं यहाँ पे पॉलिशेज़ में आपको ये मिलेगा, शीबा मिलेगा, इसके पूरे के पूरे डब्बे हैं, आप जितना भी क्वांटिटी चाहते हैं आपको सारी क्वांटिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और हमारे पास और ऑप्शंस में जो है वो है बाइक के हॉर्न्स। हॉर्न्स में सबसे पहले हम आते हैं रूट्स पे, बेसिकली जो एक रॉयल एनफील्ड के लिए अगर आप कहा जाए, या जैसे हम बड़ी गाड़ियों में बोलते हैं, क्योंकि एक ना हॉर्न बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर आप कभी ऐसे होता है कि कई बार बोलते हैं यार आवाज़ क्लियर नहीं, मतलब इससे बड़ा और इससे बढ़िया हॉर्न मार्केट में नहीं। अगर क्योंकि मैं वेट भी महसूस कर रहा हूँ, ये सिंगल पीस है शायद, और ये काफ़ी दो किलो से ऊपर का ही होगा ये। हाँ ये अराउंड है इतना बड़ा। हाँ। तो ये रूट्स का हॉर्न है, मेगासोनिक, और ये 2050 इसका। हाँ। जो पेयर है। हाँ। इसका जो पेयर है ये आपको 2050 का पड़ेगा। और सिमिलरली छोटे हॉर्न्स भी हैं, पुराने स्कूटर्स LML वगैरह के भी हॉर्न्स हैं, डिफरेंट वेराइटी ऑफ हॉर्न्स है। इतना सारा आइटम तो मैं आपको अभी एकदम से दिखा नहीं सकता। प्लस सिमिलरली जो हेडलैम्प्स होते हैं, रॉयल एनफील्ड का जो 7 inch का हेडलैम्प होता है, आपको डिफरेंट LED में हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर हेडलैम्प में ही इंडिकेटर होता है, हेडलैम्प में DRL होता है, तो आपको LED वाले हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। उसके लिए आप इंक्वायर कर सकते हैं, उसकी फोटोज हम आपको भेज देंगे कि जो जो पीसेज अवेलेबल हैं। जैसे आपको क्रिस्टल लाइट्स होती हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारे को क्रिस्टल्स में चाहिए, तो वो क्रिस्टल्स हुआ, हाफ रिंग हुआ, फुल रिंग हुआ, मतलब मल्टीपल ऑफ वेराइटी, मतलब आप जो कहोगे। बेसिकली अगर आप हेडलाइट के जाल चाहते हैं आगे पीछे, कोई क्रोम में चाहता है, कोई मेटल ब्लैक में चाहता है, कोई चाहता है कि वो गोल्डन में हो, कोई मतलब कुछ मड कलर में चाहते हैं, तो वो हर तरीके की वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है। हेडलैम्प हेडलैम्प बेसिकली उसका जो आप अगर क्लासिक्स या उसमें थंडरबर्ड्स में देखेंगे ना, लोग केज लगवाते हैं कि लाइट्स के ऊपर कोई अगर जैसे कोई ग्रिल पत्थर उड़ गया या केज लगवाते हैं, तो इंडिकेटर पे प्लस आपके बैक लाइट पे और फ्रंट लाइट पे, तीनों पे वो कवर्ड आ जाता है। तो पूरा वो कवर्ड एल्यूमिनियम या वैसे मेटल की केजेस होते हैं। और ये देखिए, ये हमारे पास रॉयल एनफील्ड के क्लासिक के सीट कवर्स हैं, प्योर लेदर में। यस एंड देयर इवन डबल कवर्स भी अवेलेबल है विद डबल कुशन, मतलब आपको उसका कंफर्ट बढ़ जाता है। तो ये कुशन जो है आप प्रेस देख सकते हैं कितना प्रेस हो रहा है, और ये जो कुशन हैं आपके क्लासिक के डबल सीट्स, जो अलग अलग सीट्स आती हैं आपकी, क्लासिक हो गई, स्टैंडर्ड हो गई, जो वो भी डबल सीट्स वाली बाइक थी। अब तो स्टैंडर्ड में तो क्या सिंगल सीट भी आती है, तो सिंगल सीट वाला कवर भी आपको मिल जाएगा, और डबल सीट वाले तो है ही क्लासिक के लिए जो आता है, डिफरेंट सीट्स जो होती हैं, तो आपको कवर्स भी मिल जाएंगे। इसमें अभी जो है आपको ब्राउन पीस दिखा रहा हूँ, इसमें आपको ब्लैक पीस भी मिल जाएगा, तो दोनों कलर्स में आपको ये भी अवेलेबल होगा। सिमिलरली डिजाइन, डिफरेंट डिजाइंस और डिफरेंट कवर्स, बहुत सारी वैरायटी है। आप व्हाट्सएप करें भैया को और पता करें सारी डिटेल्स। सिमिलरली अब हम आगे मूव करते हैं, तो एक दो आइटम्स और हैं हमारे पास, तो वो आगे रखी हैं, अभी लेके आते हैं। दोस्तों वी आर बैक अगेन, और आइटम्स मैं ले आया हूँ, जैसे कि ये कार एंड बाइक पॉलिश है,
ये मल्टीपल पैक्स हैं, आप लूज तो क्या ही होगा, ये बल्क में आप ले सकते हैं, ये पूरा इकट्ठा सेट ले सकते हैं, घर पे पर्सनल यूज के लिए ले सकते हैं। इजी टू कैरी है बेसिकली, छोटा सा है, छोटा है, आप अपने बैग में डाल लो, कहीं ट्रिप पे भी जा रहे हो, हल्का फुल्का साइन कर लिया घर में, तो आप क्या है, इजी टू यूज है ये। सिमिलरली आपको और दिखाते हैं, तो इसमें शीबा जो ब्रांड है, शीबा ब्रांड का ये बॉक्स है, और आपको शीबा के भी पॉलिसेस मिल जाएंगे। तो शीबा के पाउचेस वाले हैं, स्प्रे बॉटल है, आपको मल्टीपल आइटम शीबा के भी मिल जाएंगे। और आपको दिखाता हूँ, ये है रूट्स हॉर्न्स है ना ये भी, राइट, डबल हॉर्न्स है। तो एक पीस में आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा छोटे में, जो रूट्स दिखाए थे आपको उससे हल्का सा छोटा साइज है। और सिमिलरली ये डबल पेयर में है, तो काफ़ी लाउड होने वाला है ये हॉर्न, और आप अपनी बाइक्स में इसको यूज़ कर सकते हैं, जो आजकल डबल हॉर्न्स हैं। सिंगल भी आप यूनिट परचेज कर सकते हैं, आप पेयर में भी इसको ले सकते हैं, जिसको ज़्यादा साउंड नहीं चाहिए तो वो सिंगल पीस यूज़ कर सकता है। ये काफ़ी अच्छे हॉर्न्स हैं आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको बेसिकली ये वैसे अलग अलग, मैं कहना चाहूँगा कि ये अलग अलग ना ही बचते वैसे तो, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, एक थोड़ा सा मोटा बचता है, एक कभी एक थोड़ा पतला बचता है, क्योंकि कभी भी आप देखना इनके अंदर रेड एंड ब्लू के अंदर ये पेयर होते हैं, तो ये पेयरिंग में बचते हैं बेसिकली। इसके साथ आप 70-80 रुपये की आपकी ना वो आएगी रिले, ओके, वो आप लगाइए जिससे कोई लोड नहीं पड़ता, और आप मतलब रिले के बाद फिर ये प्रॉपर बचते हैं। यार बाइक पे जो आप गाना सुन सकते हो, आपको बाइक के लिए स्पीकर्स मिल रहे हैं, बेसिकली रिमोट कंट्रोल्ड है ये रिमोट कंट्रोल स्पीकर का सेट है ये, यहाँ USB लग जाती है, ब्लूटूथ है, पेन ड्राइव है, FM है, इसके अंदर ही है, तो और आप मतलब रिमोट इसका रहेगा आपके पास, आपके आप की रिंग में लगा सकते हो, कहीं रख सकते हो, तो आप कार्ड भी है, SD कार्ड भी है, SD कार्ड भी है, तो इसमें यहाँ SD कार्ड स्लॉट है या USB का स्लॉट है, बेसिकली सब कुछ है। तो ये बेसिकली ऑलराउंड पैकेज है आपकी बाइक के लिए, कि आप लॉन्ग टूर पे हाईवे पे रहते हैं, आप इसमें गाना सुन सकते हैं, FM चला सकते हैं, पेन ड्राइव से गाना, माइक्रो SD कार्ड से गाना, तो ये आपको स्पीकर का पेयर अवेलेबल हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, भैया को व्हाट्सएप कीजिए, और भैया आपको प्राइसेस बता देंगे। सिमिलरली हमारे पास और भी स्पीकर के ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके ये मल्टीमीडिया स्पीकर्स हैं, मल्टीमीडिया स्पीकर्स जो हैं आप अपने कंप्यूटर के साथ यूज़ कर सकते हो, टैबलेट्स के साथ यूज़ कर सकते हो, घर पे यूज़ कर सकते हैं आप, तो एक ये मल्टीपल यूज़ हो जाता है इन स्पीकर्स का, और काफ़ी बढ़िया स्पीकर्स हैं ये भी, अभी हम चेक कर रहे थे खोल के, तो आप देख सकते हैं छोटा डिज़ाइन है, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और क्वालिटी बहुत अच्छी है इन स्पीकर की। सिमिलरली अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास एक लास्ट पीस और है, ये है हमारे बहुत हैं मतलब जो हम इजीली अवेलेबल करा पाए हैं आपके सामने, जो अभी हम स्टोर से निकाल के आपको दिखा पाए हैं, तो वो ये है, ये देखिए, जो आपको बार एंड मिरर्स दिखाए थे वो क्रोम में थे, ये मैट ब्लैक में है, आप मैट ब्लैक यूज़ कर सकते हैं बार एंड मिरर्स, और काफ़ी अच्छा स्क्रैम्बलर वाला लुक आएगा, काफ़ी अच्छा आपकी बाइक का लुक हो जाएगा। क्लासिक में मेरे फ्रेंड्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं सिमिलर मिरर्स, बार एंड मिरर्स जो होते हैं वो आपकी बाइक का बिल्कुल लुक बदल देते हैं, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए बार एंड मिरर्स। तो सिमिलरली और भी आइटम्स हैं, आप भैया को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप का लिंक आपको, मतलब भैया का नंबर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और व्हाट्सएप पे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप जानकारी ले सकते हैं और प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसे कि आपको हमने दो तरीके के तो मिरर्स दिखाए हैं, एक जो प्रॉपर रिंग माउंट होता है ऊपर वाला मिरर, एक ही आपको बार एंड में हमने दो ऑप्शंस दिखा दिए हैं। हॉर्न्स के आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखा दिए हैं, पॉलिशेस में हमारे पास तीन वैरायटी है, हॉर्न्स में आपको प्रेशर हॉर्न्स में मिल जाएंगे, प्रेशर हॉर्न्स नॉर्मल के मिल जाएंगे, मतलब यहाँ एन नंबर ऑफ वैरायटी है जो हम इस वीडियो में दिखा पाए हैं, बेसिकली नेक्स्ट अगर वीडियो हमारी आती है तो मैं आपको और अच्छी वैरायटी दिखा पाऊंगा। तो ऐसा ही है, हम आपको और भी आइटम्स जो हैं वो भैया आपको बता देंगे, आप व्हाट्सएप पे उनसे बात कर सकते हैं। और सिमिलरली अब हम विदा लेते हैं आपसे, और यही है यार कि बस काफ़ी आइटम्स आपको दिखा दिए हैं आपकी बाइक के हिसाब से, आपको हॉर्न्स दिखा दिए हैं, फॉग लैंप्स दिखा दिए हैं, आपको हेडलाइट के बल्ब्स दिखा दिए हैं LED के अंदर, और आपको सीट कवर्स दिखा दिए हैं, टैंक प्रोटेक्टर दिखा दिया है। मैक्सिमम आइटम्स जो हैं आपको रॉयल एनफील्ड के लिए मिलेंगे, जो क्लासिक 350 है, स्टैंडर्ड है, इलेक्ट्रा वाले जो मॉडल जाते थे, थंडरबर्ड हो गया, और नए मॉडल्स के हिसाब से भी आप मिट्योर में भी उसको यूज़ कर सकते हो। तो आपको काफ़ी अच्छा हमने एक वैरायटी दिखाया है, आशा करता हूँ आपको ये सारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और
आप जरूर भैया के साथ कांटेक्ट करिए और आपको जो भी आइटम चाहिए आपको बेस्ट रेट में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। शिपिंग आपको ऑल इंडिया मिल जाएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। शिपिंग जो है वो एडजस्ट हो जाएगी, देखा जाएगा आपको जो भी है वो बेस्ट प्राइसेस मिलेंगे भैया के द्वारा, आपको सबसे अच्छे प्राइसेस दिल्ली के अंदर मिलेंगे। तो गाइस मैं आशा करता हूँ आपको ये सारे आइटम्स अच्छे लगे होंगे और आपको ऐसे ही आइटम्स मैं और दिखाते रहूँगा। अभी जो है भैया ने अपनी शॉप क्लोज़ कर दिया तो आपको बहुत अच्छे रेट्स में ये सारे आइटम्स प्रोवाइड होने वाले हैं, तो आपको ज़रूर लेने चाहिए ये आइटम्स। अच्छे रेट पे अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको एक्सेसराइज़ करवानी चाहिए अपनी बाइक। और ठीक है, मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आपको ऐसे ही और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मैं दिखाता रहूँगा। करोलबाग के ऊपर एक सीरीज़ मैं जल्द ही बनाने का प्लान कर रहा हूँ और वहाँ पे जाके भी मैं आपको बहुत वैरायटी के आइटम्स दिखाने वाला हूँ। तो सिमिलरली आपको बहुत मज़ा आने वाला है आगे आने वाले वीडियोज़ में, तो प्लीज़ देखते रहिए। थैंक यू।